भाजपा ने आदिवासी समाज में जन्मे महापुरुषों को सम्मान दिलाने का कार्य किया। सिंधिया। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बदरवास में भाजपा प्रत्याशी सिंधिया ने बदरवास में स्थानीय सभा आदिवासी समुदाय की ली और सिंधिया ने आदिवासी समाज की सभा लेते समय बताया कि हमारी सरकार ने आदिवासी समाज को आगे लाने का कार्य किया और हमने हर घर में प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनवा और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर आदिवासी समाज को हर योजना के तहत लाभ जलाने का कार्य किया है। आदिवासी समाज में जन्मे हर महापुरुष को हमने सम्मान दिलाने और सम्मान देने का कार्य किया है। वहीं सिंधिया ने बताया कि आदिवासी समाज से मेरे और मेरे परिवार का पुराना नाता है। आदिवासी समाज मेरा परिवार है। मेरे पिताजी भी आदिवासी समाज को सबसे अधिक प्यार करते थे। उन्होंने आपके बीच में रहकर कई सारे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया था और आज मैं उनके कदम पर चलकर अपने परिवार के पास आया हूं। मुझे मेरे परिवार को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। आदिवासी समाज का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहा है। इस कार्यक्रम में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बदरवास से बाबा पत्रकार की रिपोर्ट। संभव कार्य है तो कहीं और चले जाते, असंभव कार्य है मेरे शहरी आदिवासियों के लिए, जहां केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजना लगाई, इसलिए हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने मेरी शहरी आदिवासी महिलाओं के खाते में 1500 रुपया हर महीने पहुंचाया है। मेरे भाइयों बहनों, आपके हाथों को मजबूत करने का काम भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूं